फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। अगर आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल किया है और उसके बाद आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो किस तरीके से हो सकती हैं? कई माओं का जवाब होता है कि हम डॉक्टर से सलाह करेंगे, तो कईयों का होता है कि हम खुद ही ट्राई करके देखते हैं। लेकिन क्या आपको सही तरीका पता है? आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो के द्वारा कि बर्थ कंट्रोल करने के बाद यदि आप प्रेग्नेंट बनना चाहती हैं तो किस तरीके से बन सकती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स आपकी प्रजनन क्षमता को किस तरीके से हार्म कर सकती हैं? ये हमारे ओव्यूलेशन को काफी बुरी तरीके से डैमेज कर देती हैं और उसी वजह से आपको प्रजनन क्षमता यानी कि कंसीव करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में बार बार अपनी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इन दवाओं का सेवन करती हैं तो आपके पीरियड्स भी लेट होते हैं और इसी वजह से ओव्यूलेशन का चक्र भी काफी ज्यादा लेट हो जाता है। मैंने आपको अपनी पहले की बहुत सी वीडियोस में बताया है कि अगर आप चाहती हैं कि आप कंसीव करें तो आपका ओव्यूलेशन का टाइम सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। लेकिन अगर आप बार बार गर्भ निरोधक गोली का या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से ओव्यूलेशन का चक्र काफी हद तक गिर जाता है और इसी वजह से कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम होती है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को स्टेबल करने की, बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल कम करने की और डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। इसीलिए इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।